जोर जबरदस्ती लिए जाने की कोशिश भी जारी है, यानी कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी होता जा रहा है। मस्जिद, दरगाह, मंदिर, जो भी इबादत गाहें हैं, उनके लिए कानून है, इंतजामिया है, पर पिछले कुछ अरसे से कोई भी मनमानी फैसले करते हुए देखा जा रहा। आखिर इन्हें क्या इस मुल्क के संविधान का पासो लिहाज नहीं? क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते? खैर, अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से असल मसलों को हटाकर मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च जैसे मजहबी निशानियों को निशाना बनाते हुए देखा जा रहा है। खासकर फिरका परस्तों का तो बस अब यही एक कारोबार रह गया। बेलगाम शहर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। हाल ही में हुबली में दरगाह मामला सभी ने देखा। वैसे सुप्रीम कोर्ट जाने तक के रास्ते खुले थे, लेकिन कुछ अपनों और कुछ गैरों की साजिशों से हमेशा नुकसान होता है, और इस बार भी हमने इसी को देखा। खैर, पिछली गलती से हम सबक सीखने के बजाय बार बार उसी ही दोहराते हुए देखा जाता है। अब जब भाजपा इख्तदार में है तो मरकज या फिर रियासत में दोनों तरफ की सोचो फिक्र भी किस नहज की है सभी जानते हैं, और इसी को डबल इंजन सरकार कहा जाता है। खैर, बेलगाम में भी बढ़ता तनाव भी चुनाव की तरफ इशारा करते हुए देखा जा रहा है। पहले शाही मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा, फिर पिछले कुछ महीनों से जैतून माल मस्जिद को लेकर मामले को गर्म रखने की कोशिश एमएलए अभय पाटिल की जानिब से मुस्तकिल जारी रही। अभी हिंदुत्व लीडर पर गोलीबारी को मुसलमानों की तरफ मोड़ने की कोशिश भी नाकाम रही। पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार कर इनसे मंसूबों पर पानी डाल दिया, लेकिन फिरका परस्तों की कोशिश मुस्तकिल जारी है। हिंदुत्व हिंदू बड़े ही हसास मौजू है, और कुछ लोगों को इसके सिवा कुछ नजर भी नहीं आता, और अगर तादाद भी बात की जाए तो ये तादाद में भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उमूमन शहर की या मुल्क की तस्वीर को देखेंगे तो हर फर्द अपने जाती मसाइल में उलझा हुआ है। रामसेना हिंदुस्तान और श्री रामसेना मुतालिक ऐसा दो धड़ों में रामसेना की तकसीम हुई है। रामसेना हिंदुस्तान में बेलगाम के मुकामी लोग हैं, और इसमें अक्सर मराठी लोगों की शमूलियत होने की बात कही जाती है। वही मुतालिक की रामसेना है, जिसका जिला सदर रवि कोकितकर है, और जब से अलग हुए हैं इनमें तशद्दुद जारी है। भले ही जाहिर न होता हो, बेलगाम दक्षिण से हो सकता है रमाकांत कुंडुस्कर मैदान में उतर जाए। बेलगाम शहर का मुकामी भी है और रामसेना हिंदुस्तान का सदर भी है। जाहिर बेलगाम में मराठी लोगों की अक्सरियत है, तो कुंडुस्कर की मकबूलियत भी इनमें है। इससे पहले यानी 2018 में मराठी लोगों ने अभय पाटिल को वोट किया था, पर 2023 में अभय पाटिल को यह डर भी है कि कहीं मराठी वोट तकसीम न हो जाए, क्योंकि रमाकांत कुंडुस्कर भी मैदान में उतर सकता है। लिहाजा फिर से तनाव के माहौल को खड़ा किया जाए ताकि खुद को हिंदुत्व हिमायती साबित कर सके, और इसीलिए अभय पाटिल किसी न किसी मसले को उछालता रहता है। अभी हाल ही में जैतून माल की मस्जिद को बतौर मसला खड़ा करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, आज फिर से सारथी नगर की मस्जिद फातिमा को लेकर हिंदुत्ववादियों का जमावड़ा सारथी नगर में जमा होना ये भी इसी की तरफ इशारा करता है। इत्तला के मुताबिक तमाम हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से सारथी नगर की मस्जिद को लेकर कल डीसी बेलगाम को मुतालबा देने की बात कही जा रही। आज यहां जमा होकर मस्जिद को बंद करने की भी कोशिश की गई, पुलिस का काफी बंदोबस्त रहा। यहां भी भाजपा एमएलए की शिरकत और फिर से बयानबाजी क्या पैगाम देती है ये भी समझने की जरूरत है, और इसे किसी इल्मी माहिरीन की जरूरत नहीं है। इत्तला के मुताबिक सारथी नगर की मस्जिद मस्जिद फातिमा व बोर्ड में रजिस्टर है, और जब मामला कोई भी कानूनी होता है तो उसके लिए अदालतें हैं, इंतजामिया है। बार बार भीड़ के जरिए दबाव बनाने की कोशिश है, लोकतंत्र को खतरा तो है ही, लेकिन एक तरह की सड़कों पर फैसले करने की आदत किसी मखसूस भीड़ में देखी जा रही है, और कोशिश की जाती है इसे क्या कहा जाए। अभी शाम में रामसेना बजरंग दल के कई कारकुनान यहां जमा हुए, पुलिस इंतजामिया भी कसीर तादाद में मौजूद रही। अब इस तरह का माहौल बनाने से सिवाय तशद्दुद के कुछ हासिल नहीं है, और यहां मुसलमान बहुत ही कम तादाद में है, लिहाजा एक तनाव का माहौल यहां देखा गया। अवाम की जानिब से भी गुजारिश की जा रही है कि बिलावजह जो भी शहर के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब मामला अदालत के जेर समात है तो अदालती फैसले सभी को मंजूर होंगे। मस्जिद फातिमा के सदर जनाब रफीक मुजार साहब ने भी कानूनी फैसलों का एहतराम किया जाएगा ऐसा बताया। लिहाजा किसी न किसी बहाने अकलियतों को निशाना बनाकर सियासी मुफाद हासिल करने वालों पर कार्रवाई की जाए, ऐसा सारथी नगर के तमाम शहरियों का कहना है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। क्या कुछ मामला नहीं, जो भी है हमारा मामला जो मस्जिद का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है जी। और हमारा तो सब इसमें वफ कमेटी में रजिस्टर है, मालक तो उन्होंने वफ कमेटी वाले चेयरमैन ऑफ वफ कमेटी, वो
दोनों मालक हैं, वो हमारा उसमें क्या भी इश्यू नहीं है। और जो भी चल रहा है वो इलीगल जो भी कर रहे हैं लोग वो उनको तो मैं ये कर सकते और हाँ जो भी करने का तुम्हें उन पर कर सकते हैं, हमारे जो भी कानूनी कार्रवाई क्या करने का है उनके तुम्हें उनको कर सकते हैं, हमें तो क्या नहीं, हमें इस पर सेफ साइट में है, पुलिस पुलिस सामना प्रोटेक्शन दे रही है, मस्जिद का और हमारे जितने भी घर आए उनका सबका पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। आज क्या बोला गया, आज क्या भी हम लोग उन्हों क्या बोल रहे हैं हमना नहीं मालूम, हमना के उन्हों क्या बोल रहे हैं हमना नहीं मालूम। एक उन्होंने ले को वहाँ आए सोए अजंटा ले को, हमें क्या उसमें हमें दखल दिए नहीं, हमें की पूछे भी नहीं क्या करे मैंने, हमारा हमें नमाज पढ़े और निकल को आए। हमारे पे हमें भी दो वकील हैं, एक तो वफ कमेटी का है एक हमारा वकील है, दो मुल्ला बोल को दो वकील हैं हमारे, उन्होंने जवाब दे रहे और कोर्ट में भी मामला चल रहा है और कॉर्पोरेशन में भी चल रहा है और वफ कमेटी से भी बात हो रही है, उनका भी चेयरमैन बात कर रहे हैं उनसे। हमें तो देखो लीगल जा रहे, हमें उनको फ़ोन करके बोले बाबा ऐसा सा कुछ हमें मामला सुन रही तो जो भी है तो हमें हमारे मस्जिद की यहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन करना, तो पुलिस आको आज हमारे प्रोटेक्शन कर रही है, मतलब मस्जिद की और सभी एरिया की प्रोटेक्शन कर रही है। आज देखो जाकर तुम्हें चाय जाकर देखो कितने बहुत सारे पुलिस हैं वहाँ, उनके जीप हैं तुम्हारे बड़े गाड़ियाँ हैं बहुत, मतलब तकरीबन तकरीब 1000 पुलिस तक है वहाँ टेरेस पर, तो मैं जाकर देख सकते हो कैसा है। पहला तो जगह था, जगह उन्हें हमने ये करा गिफ्ट करा, फिर मान में वो एक डॉक्टर साहब बंदे हैं, वो बंदे परमिशन लिए एज ए हाउस बोल को परमिशन लिए, उसके बाद में हर जगह हमारा मस्जिद बोल को रजिस्टर हुआ। अभी हमने जो गिफ्ट दी वफ कमेटी को वो मस्जिद बोल को गिफ्ट करें, वक्त में गिफ्ट करें सर, हमने जो भी लेटर अभी हमने लास्ट के 15 दिन पहला इनका पुलिस के HCMC ये लेटर आया था कि तुम CCTV लगाओ, बाकायदा फातिमा मस्जिद चेयरमैन रफी मुजावर चेयरमैन कर को ऐसा क्लिट आया था, तो सब में पहला उसका तो आप समझो ना, जब जब एक पुलिस स्टेशन से लेटर आता है कि फातिमा मस्जिद बोल को, तो फिर वो घर कैसा हुआ है कि नहीं बोलो, तो आप बोलो मैं जो मस्जिद है इसमें रजिस्टर करें फातिमा मस्जिद, वहाँ से हमें टैक्स भरें फातिमा मस्जिद की, हमना लाइट आए फातिमा मस्जिद, हमना नल कनेक्शन मिला फातिमा मस्जिद, और हमारे बाकी जब भी कार्रवाई हो रही है सब फातिमा मस्जिद से हो रही है, मेरे पर्सनल नाम से नहीं होती, फातिमा मस्जिद बोल को चल, ये होता है एड्रेस होता है, जो भी एड्रेस होता है फातिमा मस्जिद बोल को होता है।